हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 9th, 10th, 11th और 12th चारों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि आज का ये टॉपिक आरएनए इन चारों क्लासों से रिलेटेड है। तो ये वीडियो चारों क्लासों के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। और एक बात, अगर आप डीएनए के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो अवश्य देखें। ये हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आरएनए पर आधारित रहेगा। चलिए देखते हैं आरएनए क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले सिलेबस में कहीं ना कहीं आरएनए के बारे में सुना तो होगा ही, फिलहाल मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप जानिएगा इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता होना चाहिए कि तमाम लोग राइबोज लिखते हैं, बट राइबोज आपको नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, यह एक प्रकार का अनुवांशिक सूचना वाहक पदार्थ है। आपसे डीएनए और आरएनए में अंतर पूछा जाएगा, अंतर हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ इसके बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आरएनए क्या है? आरएनए एक प्रकार का सूचना वाहक पदार्थ है। याद रखिएगा, इसे हम सिर्फ और सिर्फ सूचना वाहक पदार्थ कहते हैं। कभी भी अगर आपसे पूछा जाए क्या ये अनुवांशिक पदार्थ है, तो आप जवाब देंगे नहीं, ये अनुवांशिक पदार्थ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सूचना वाहक पदार्थ कहलाता है। चलिए, इसके साथ साथ ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड भी है, जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा गया है न्यूक्लिक एसिड, लेकिन किस प्रकार का? राइबोन्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, आरएनए एक प्रकार का सूचना वाहक पदार्थ होने के साथ साथ यह एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड भी है, जिसकी खोज सेवेरो ओकोवा, रॉबर्ट होली और कार्ल वोसे नामक साइंटिस्टों ने की थी। आप लोग डिस्कवरर के बारे में बहुत ज्यादा ढूंढ रहे होंगे लेकिन नहीं पाते होंगे, फिलहाल मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि आरएनए की खोज सेवेरो ओकोवा, रॉबर्ट होली और कार्ल वोसे नामक तीन साइंटिस्टों ने मिलकर के की थी। आगे चलते हैं, आरएनए पाया कहाँ जाता है, वो स्थान, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, लोकेशन कि ये कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये केंद्रक के साथ साथ, यानी केंद्रक द्रव के साथ साथ ये जीव द्रव दोनों में पाया जाता है। याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब बनेगा यह केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है और जीव द्रव में भी पाया जाता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि डीएनए जीव द्रव में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ केंद्रक द्रव में ही पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर आरएनए की लोकेशन की बात करते हैं, उपस्थिति की बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियर प्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों स्थान पर पाया जाता है। अगर हम निर्माण की बात करें तो ये बनता कहाँ है, तो उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिएगा। इसका निर्माण केंद्रक में होता है, केंद्रक में इसका निर्माण होता है, वो भी किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। यानी कि जब प्रोटीन संश्लेषण कब होगा, ये अगर आपसे पूछा जाए तो जानते रहिएगा कब होता है प्रोटीन का संश्लेषण। याद रखिएगा, जब प्रोटीन का संश्लेषण होना होगा तो उसी दौरान ये डीएनए से बनता है, कहां पर? केंद्रक में, और वहां से बन करके ये केंद्रक छिद्र से होता हुआ ये कोशिका के द्रव में प्रवेश करता है, पहुंचता है। तो इन तमाम बेसिक जानकारियों के साथ साथ आप ये भी जानते रहिएगा, जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया था कि इसमें भी पेंटोज शर्करा होती है। याद रखिएगा, पेंटोज शर्करा इसमें भी पाई जाती है, और उसका फार्मूला होगा C5H10O5, जबकि डीएनए में
O के स्थान O5 के स्थान पर 4 था, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस बनेगा। इसके अलावा आपको आगे क्या पढ़ना है स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आप लोग इसके प्रकार के बारे में अवश्य पढ़ेंगे। तो चलिए प्रकार देखते हैं। प्रकार आरएनए के प्रकार, तो चलिए बेसिकली आप लोगों ने आरएनए के बारे में पिछले क्लासेस में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि आरएनए बेसिकली तीन टाइप का होता है। पहला एमआरएनए, दूसरा टीआरएनए और तीसरा आरआरएनए। इन तीनों का फुल फॉर्म चलिए देखते हैं। तो इसका फुल फॉर्म बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, हिंदी में इसको हम लोग सूचना वाहक आरएनए कहेंगे। इसका फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए होगा, जिसे हम लोग हिंदी में स्थानांतरक आरएनए कहेंगे। और तीसरा आपका आरआरएनए, जिसका फुल फॉर्म होगा राइबो सोमल आरएनए, जिसे हिंदी में हम लोग राइबोसोमल ही कहेंगे, याद रखिएगा। तो ये तीन प्रकार के बेसिकली आपको पढ़े होंगे हिंदी की भी, राइबो सोमल आरएनए। वैसे राइबोसोमल से तात्पर्य है राइबोसोम का आरएनए, यहां पर हम लोग बात करेंगे भी कि क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रकार आपने पढ़ा कि आरएनए बेसिकली तीन टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। यहां पर अगर बात करें हम सबसे बड़े आरएनए की, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा इसमें एमआरएनए है, ये सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। बेसिकली साइटोप्लाज्म की बात करें या इसके अलावा न्यूक्लियर प्लाज्म की बात करें, दोनों स्थानों पर तीनों प्रकार के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे बड़ा ये होता है एमआरएनए। इसकी खोज जैकब मोनोद ने की थी, याद रखिएगा। अगर इसकी खोज के बारे में पूछा जाए तो इसकी जो खोज है वो जैकब मोनोद ने इसकी खोज की थी एमआरएनए की। एमआरएनए आरएनए में सबसे बड़ा आरएनए होता है और सबसे छोटा, यहां पर लिखा गया है सबसे छोटा जो आरएनए होता है वो आपका आरएनए है। बेसिकली आप इतना जान गए हैं प्रकार के बारे में। तो प्रकार के आधार पर आइए हम लोग आरएनए के कार्य के बारे में डिस्कस करें, फिर हम संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आरएनए की संरचना ज्यादातर देखा जाए तो ये पूछा नहीं जाता है। बेसिकली छोटा सा पॉइंट होगा उसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका हेडिंग बनेगा इसमें आरएनए के कार्य। प्रकार हम लोग जान चुके हैं, आइए हम लोग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आरएनए के फंक्शन। तो यहां पर सबसे पहला फंक्शन होगा, पहला आपका था एमआरएनए। तो एमआरएनए का काम क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, मैसेंजर आरएनए होता है, सूचना वाहक पदार्थ होता है। तो एमआरएनए का बेसिकली काम होता है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाना। जहां पर अब लिखेंगे क्या कार्य में, पहला पॉइंट प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका, इन ब्रैकेट एमआरएनए, मुख्य भूमिका निभाना, याद रखिएगा। प्रोटीन संश्लेषण में बेसिकली अदर आरएनए की भी हेल्प पड़ती है, तीनों आरएनए की
हेल्प पड़ती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो प्रोटीन संश्लेषण में सबसे इम्पोर्टेंट mRNA ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होगी, वो mRNA के धागे पर ही संपन्न होती है। इसका वीडियो आप लोगों को क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। तो पहला काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाना। मुख्य भूमिका किसकी होती है? mRNA। क्यों होता है? मैंने बताया, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जो काम होता है वो mRNA के धागे पर ही होता है। तो पहला काम। दूसरा, इसे mRNA को सूचना वाहक पदार्थ कहा गया है, क्योंकि ये सूचनाओं का वहन करता है। तो याद रखिएगा, हम ये भी लिखेंगे कि ये सूचनाओं का वाहन करते हैं, ये इसका कार्य है। तीसरा पॉइंट, हम लोग बात करें दूसरे RNA tRNA की, ट्रांसफर RNA यानी कि स्थानांतरक RNA। स्थानांतरक RNA का काम क्या होता है? ये एक कोशिकांग से पाए गए मैसेज को दूसरे कोशिकांग तक हैंडओवर करते हैं। तो इनका काम होता है दो कोशिकांगों के बीच सूचनाओं का स्थानांतरण करना। यहां पर लिखेंगे हम, इनका काम क्या होता है? दो कोशिकांगों के बीच, कोशिकांगों के बीच सूचनाओं को स्थानांतरित करना। ये किसका काम होता है? बेसिकली tRNA का। चलिए, इसके अलावा tRNA जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में भी हेल्प करता है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाना। यहां आगे भी लिख सकते हैं कि ये RNA भी प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। चलिए एक बार बताओ, tRNA का काम क्या होता है? एक और फंक्शन है इसका कि ये अमीनो एसिड से जुड़ता है। याद रखिएगा, अमीनो एसिड ये कौन? tRNA अमीनो एसिड से जुड़ता है। जब तक अमीनो एसिड से नहीं जुड़ेगा tRNA, तब तक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट होता है। पांचवा काम क्या है वो जानते रहेगा। फिफ्थ काम यह है कि राइबोसोमल RNA की बात करते हैं, तो राइबोसोमल RNA जो होता है वो राइबोसोम की हेल्प करता है प्रोटीन संश्लेषण में। राइबोसोम की हेल्प करता है, किसकी? राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम की सहायता करता है। कौन सा? RNA। इसीलिए इसको राइबोसोमल कहा गया है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं हम लोग, पांचवा छठवां फंक्शन। सिक्स पॉइंट ये है कि जो RNA होता है, बेसिकली mRNA, वो आगे चल करके प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवादन, अनुवादन कहा जाता है इंग्लिश में, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। याद रखिएगा, mRNA का जो धागा होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसको, इस प्रोसेस को अनुवादन कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। एक और काम जानते रहेगा, दो mRNA अगर आपस में जुड़ जाएं तो उनसे DNA का फॉर्मेशन हो सकता है या होता है कह सकते हैं। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ये काम बेसिकली याद रखिएगा, हर समय नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण के पहले ये प्रोसेस संपन्न होता है। आप याद रखिएगा, mRNA के दो धागे जब आपस में संयुक्त हो जाते हैं तब उससे DNA का निर्माण होता है, लेकिन उस दौरान थायमिन बेस का आना आवश्यक होता है।
ये क्या है हम लोग संरचना में डिस्कस करेंगे। आइए अगला काम देखते हैं। आठवां पॉइंट यह है कि आरएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण भी होता है। इस प्रोसेस को डुप्लीकेशन कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहां ये आठ फंक्शन बताए गए हैं आरएनए के। आइए स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आरएनए की संरचना आपसे बहुत कम पूछी जाएगी। तो आरएनए का स्ट्रक्चर यहां पर बनाया गया है। आरएनए और डीएनए में थोड़ा सा अंतर है, आप देख लीजिएगा। ये डीएनए के दो धागे हैं, दोनों धागे आपस में जुड़े होते हैं। यहां पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये डीएनए के दो धागे हैं। दोनों धागों को अगर हम अलग कर दें, याद रखिएगा, अगर हम दोनों धागों को अलग कर दें तो उससे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है। चलिए हम एक धागा यहां से हटा दे रहे हैं, इस धागे को हमने हटा दिया, तो एक धागा बचा हुआ है। अभी भी ये डीएनए ही है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी एक धागे का डीएनए। कब तक रहेगा? जब तक इस पर थायमिन बेस रहेगा तब तक ये डीएनए ही होगा। अगर इस थायमिन बेस को हटा दिया जाए और यहां पर यूरेसिल बेस लगा दिया जाए तो ये आरएनए में बदल जाएगा। यानी कि आरएनए क्या होता है? डीएनए के द्वारा बना हुआ एक रूप है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इस पर भी चार बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, इसके अलावा यूरेसिल, इसके अलावा ग्वानिन, इसके अलावा साइटोसिन। इंपॉर्टेंट यह है कि आरएनए में थायमिन बेस नहीं पाया जाता है, जबकि डीएनए में यहां पर टी होता है, थायमिन होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें लगभग सेम होती हैं। तो याद रखिएगा आरएनए क्या है, संरचना में कैसे लिखेंगे? आरएनए सिंगल धागे का बना होता है जो कि डीएनए के द्वारा निर्मित होता है। आरएनए पर भी चार नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं, क्रमशः ए एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। लेकिन फर्क इतना होता है कि आरएनए में थायमिन बेस नहीं पाया जाता है और उसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। याद रखिएगा हमेशा इतना आप लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा ये टॉपिक आपके सिलेबस में कक्षा 9, 10, 11, 12 चारों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा वीडियो बनेगा डीएनए और आरएनए में अंतर, जिसे आप अवश्य देखिएगा। अगले वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।